श्री राजपूत कर्णी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का सोमवार देर रात्रि लंबी बीमारी के चलते लगभग 80 वर्ष की आयु में राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक कालवी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले साल जून में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी तबीयत में लगातार सुधार भी हो रहा था, लेकिन सोमवार देर रात्रि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। कालवी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नागौर जिले में किया गया। कालवी के निधन की सूचना लगते ही लोग उनके अंतिम दर्शन की इच्छा लिए उनके गांव पहुंचे। कालवी के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत अनेक नेताओं ने शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि कालवी का जन्म कल्याण सिंह कालवी के घर में हुआ था। कल्याण सिंह भी राजस्थान की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा थे। वो 9वीं लोकसभा में जैसलमेर बाड़मेर से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत सांसद बने थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके। कालवी की छवि एक तेज तर्रार नेता के रूप में मानी जाती रही, इस कारण उनका विवादों से भी हमेशा नाता रहा। लोकेंद्र सिंह कालवी ने 2003 में भाजपा सरकार में मंत्री रहे देवी सिंह भाटी के साथ मिलकर सामाजिक न्याय मंच के नाम से संगठन बनाया तथा जातिगत आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। सामाजिक न्याय मंच के जरिए सवर्ण आरक्षण की मांग के साथ ही उपेक्षित को आरक्षण, आरक्षित को संरक्षण के नाम से 2003 के विधानसभा चुनावों में जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और चुनाव भी लड़ा, लेकिन देवी सिंह भाटी को छोड़कर कोई नहीं जीत पाया। इसके बाद लोकेंद्र सिंह कालवी 2008 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। इसके बाद कालवी साल 2014 के आम चुनाव से पहले बसपा में शामिल हो गए, लेकिन वहां भी ये चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद कालवी ने राजनीति छोड़ सामाजिक सरोकारों के कामों में ही अपना मन लगा लिया। कालवी ने 2008 में आई ऋतिक रोशन फेम जोधा अकबर में राजपूतों के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने के नाम पर संपूर्ण राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा साल 2018 में आई संजय लीला भंसाली निर्देशित पद्मावती फिल्म का भी संपूर्ण देश भर में कड़ा विरोध किया गया तथा जयपुर में फिल्म के निर्देशक के साथ मारपीट भी की। फिल्म के विरोध में कालवी ने खुले मन से कहा था कि इसमें राजपूतों की गरिमा के खिलाफ दिखाया गया है। इसके अलावा कालवी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी धुर विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर कई मौकों पर वसुंधरा के खिलाफ बोलते देखा गया था। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।